Good morning, children. Today we will be doing the last page of our chapter number 6, that is page number 48. And आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करके हमारा कोर्स ख़त्म करेंगे फॉर द एसे 1. इसके बाद हम सिर्फ रिविजन करेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, एंड अपने ओरल एग्जाम्स भी होंगे एंड क्लास टेस्ट भी होगा फॉर एसे 1 ओनली. अभी आपका जितना भी क्लास टेस्ट, ओरल टेस्ट कुछ भी होगा, उन सब के मार्क्स काउंट होंगे. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी देयर फॉर द एग्ज़ाम. ऑलराइट, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. आई विल रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन. अभी तक हमने क्या देखा था कि गुलिवर जो है वो सेल पे गया था, शिप टूटा, ही रीच टू अ आइलैंड. ठीक है, देन उसके बाद जब वो मॉर्निंग में उठता है, वो देखता है कि उसने अपने आप को बांधा हुआ पाता है वो, ठीक है, पेग से और कॉर्ड से. उसके बाद वो देखता है उसके बाल भी बंधे हुए हैं. कुछ लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, पैरों पे चढ़ते हैं, फिर स्टमक पे चढ़ते हैं, चिन पे आके रुक जाते हैं. ठीक है, फिर उसके ऊपर वो बो एंड एरो मारते, जैसे कि वो चिल्लाता है जैक, वो सब लोग इधर उधर भाग जाते हैं. ठीक है, फिर वो बो एंड एरो चलाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से उसके ऊपर चढ़ते हैं लोग एंड उनको पता चलता है कि ही इज़ अलाइव. ठीक है, देन दे बिल्ड अ 1.5 feet यू नो लाइक प्लेटफॉर्म. नाउ लेट्स सी कि वो प्लेटफॉर्म से क्या करते हैं. ठीक है, आई एम रीडिंग नाउ. Soon, four of them climbed up the ladders and stood on the platform. In the middle was an important-looking man. He made a long speech looking in my direction, and of course, I didn't understand a word of it. But I could tell from the tone of his voice that some words were threats, others promises, and still others resonances. रेजोनेंसेस इम्पॉर्टेंट वर्ड है चिल्ड्रन, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो. रेजोनेंसेस का मतलब है होप्स, एनकरेजमेंट्स. ओके, ऑल दी वर्ड मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, आपको ये सारा याद करना ही करना है. ओके, एंड स्टिल अदर्स रेजोनेंसेस, स्पेशली व्हेन ही पॉइंटेड ऑल अराउंड एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर, लिलीपुट लिलीपुट. ओके, तो यहाँ पे ये है, गुलिवर ये कह रहा है कि सून चार जो लोग थे वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं. ठीक है, और जो उनके बीच में आदमी खड़ा था, ही वॉज अ इम्पॉर्टेंट लुकिंग मैन. एज जो वो नए लोग थे, उनकी भाषा लिलीपुट की भाषा जो थी वो गुलिवर को नहीं आती थी, तो ही इज़ टेलिंग अस वट एवर ही कुड सी. ओके, सो द मैन हु वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द फोर मैन, ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लुकिंग मैन. ओके, एंड ही मेड अ लॉन्ग स्पीच, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी स्पीच दी जिसमें कि कुछ चीज़ें थ्रेट थी, कुछ चीज़ें रेजोनेंस थी और कुछ चीज़ें प्रोमिसज थी. क्योंकि आप जब भी आप मानो कोई एलियन लैंग्वेज सुनते हो, एलियन का मतलब है जो आपको नहीं आती लैंग्वेज. ठीक है, जब आप एलियन लैंग्वेज सुनते हो तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाता है, बिकॉज जो टोन होती है कहने की, यानी कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सबके सेम होते हैं. सब गुस्सा आता है और सब गुस्से को गुस्से की तरह ही बताते हैं, राइट. जैसे कोई गुस्सा हंस के नहीं गाएगा, सब लोग गुस्सा गुस्सा होकर ही गाएंगे. सो हर चीज़ की एक टोन होती है, तो वैसे ही जो लिलीपुट वाले थे लोग थे, उनकी जो टोन थी उससे गुलिवर ने ये समझा कि कुछ चीज़ें जो कि वो इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन कह रहा था वो थ्रेट थी, कुछ चीज़ों में प्रॉमिस था और कुछ चीज़ों में रेजोनेंस था. रेजोनेंस का मतलब है होप और एनकरेजमेंट, यानी कि जो बाकी लोग थे वो उनको ऐसे वर्ड्स कह रहा था जिससे कि वो मोटिवेट हो, उनमें होप बढ़े और उनका एनकरेजमेंट हो. ठीक है, और वो बार बार कह रहा था लिलीपुट लिलीपुट, बार बार हर तरफ इशारा करके कह रहा था लिलीपुट लिलीपुट. देखो ये लिखा है, स्पेशली व्हेन ही पॉइंटेड ऑल अराउंड एंड रिपीटेड ओवर एंड ओवर. ओवर एंड ओवर का मतलब है अगेन एंड अगेन, बार बार. ठीक है, ही रिपीटेड ओवर एंड ओवर लिलीपुट लिलीपुट. सो आई वॉज इन अ प्लेस कॉल्ड लिलीपुट. इससे गुलिवर को ये समझ में आ गया कि मैं लिलीपुट नाम की एक जगह में हूँ. ठीक है, दो आई हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ कंट्री और सीन इट ऑन द मैप. I tried to answer the important looking man and tell him that I was a friend and meant no harm. Now let's see. उसने
ये कंट्री पहले कभी भी ना तो सुना था और ना ही मैप पे देखा था, ठीक है। उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, तो उसने मैप पे कभी ये कंट्री नहीं देखा था जिसका नाम लिलिपुट हो। फिर वो कहता है कि मैंने उस इम्पोर्टेंट लुकिंग मैन को अपनी ही भाषा में समझाने की कोशिश करी दैट आई वॉज़ अ फ्रेंड, कि मैं एक फ्रेंड था एंड मेंट नो हार्म। मेंट नो हार्म का मतलब मेंट होता है पास्ट टेंस में मीन, यानी कि जो वर्ड मीनिंग हम पढ़ते हैं ना, वो वाला मीन जिसका मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब मतलब ही होता है। ओके, सो मीन का जो पास्ट टेंस है वो है मेंट, यानी कि मेंट नो हार्म, मतलब उसका कोई इरादा नहीं था कोई हार्म करने का। आई इवन रेज्ड माई आईज एंड हैंड्स टू हेवन टू मेक माई प्रॉमिस स्ट्रॉन्गर, यानी कि उसने अपनी आंखें और हाथों को भी ऊपर किया ताकि जैसे हम कसम खाते हैं ना हम लोग कि मैं मम्मी कसम खाता हूँ, तो वैसे ही उसने अपने हाथ आसमान की तरफ किए और ऊपर देखा ये बताने के लिए कि आई एम प्रोमिसिंग यू, कि मतलब गॉड प्रोमिसज आई एम सेइंग कि मेरा कोई आपको हार्म करने का इरादा नहीं है। द लास्ट टाइम आई हैड ईटन वॉज आवर्स बिफोर द शिप सैंक, यानी कि ही सेइंग द लास्ट टाइम आई हैड ईटन, मतलब जो लास्ट मैंने खाया था इट वॉज आवर्स बिफोर, यानी कि घंटों पहले, बिफोर द शिप सैंक यानी कि शिप सिंक होने के घंटों पहले मैंने लास्ट बार ही खाया था। सो आई हैड टू शो दीज पीपल दैट आई वॉज हंग्री। आई डिड इट बाई पुटिंग माई फिंगर इन टू माई माउथ एज आई स्पोक। और उसने वो कैसे किया, उनको कैसे बताया कि वो भूखा है, उसने अपने मुँह की तरफ इशारा किया और उनको बताया कि मैं भूखा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द ग्रेट होगो, एज आई लेटर लर्नड दिस इम्पोर्टेंट लॉर्ड वॉज कॉल्ड, अंडरस्टूड माई साइंस एंड शाउटेड आउट ऑर्डर्स टू द क्राउड बिलो। द ग्रेट होगो, उनका एक लॉर्ड था, लॉर्ड का मतलब भगवान नहीं होता यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा हो तो वो कहते ना लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड ये, लॉर्ड वो, सो इट वॉज बेसिकली मैन विद हायर अथॉरिटी जिनको हम पहले लॉर्ड कहते थे, लाइक वी यूज्ड टू से माई लॉर्ड, हम जज जज को कहते हैं ना माई लॉर्ड, सो ये वो वाला लॉर्ड है, ये वाला। ओके, सो ही सेज कि देयर वॉज अ लॉर्ड हु अंडरस्टूड माई साइंस, कि यानी कि वहाँ पे एक अच्छी अथॉरिटी वाला आदमी था जिसने मेरे साइंस को समझा और शाउटेड आउट ऑर्डर्स टू द क्राउड बिलो, और अपने जो क्राउड था उसको ऑर्डर्स दिए। शाउटेड आउट मतलब उसको चिल्लाकर ऑर्डर्स दिए अपने क्राउड को, या शाउटेड आउट ऑर्डर्स टू द क्राउड बिलो। 100 लिटिल पीपल इमीडिएटली प्लेस लैडर्स एट माई साइड्स एंड क्लाइम्ब अप ऑन माई बॉडी विद बास्केट्स फुल ऑफ मीट एंड ब्रेड विच दे डम्प्ड इनटू माई माउथ। दिस वॉज द फूड दैट द एम्परर हैड ऑर्डर्ड एज सून एज ही had received word of my arrival. Now, इसके बाद वो कहता है कि जैसे कि orders दिए तो immediately हज़ारों लोग मेरे ऊपर चढ़ गए और उन्होंने basket full of meat and bread मेरे मुँह में dump कर दिया। dump का मतलब होता है basically फेंक देना। okay, खिलाया नहीं उन्होंने, उन्होंने फेंक दिया उसके मुँह में, because he was very big and they all were very small. okay, ओके नाउ सॉरी गलत जगह अंडरलाइन कर दिया मैंने। डम्प का मतलब है पुट या ड्रॉप, बेसिकली वी डम्प द गारबेज। ओके, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कुछ वर्ड के साथ लिंक्ड होती हैं, गारबेज मतलब कूड़ा, वी जनरली डम्प द गारबेज, वी डोंट पुट द गारबेज। ओके, सो फ्यू थिंग्स आर लाइक दैट। सो यू नो ही इज़ टेलिंग अस दैट दे वर मेकिंग मी ईट एज इफ दे आर डम्पिंग समथिंग इन टू द डम्पिंग ग्राउंड, यू नो लाइक दैट। ओके, देन ही टेल्स अस कि ये वो खाना था जो कि एम्परर ने मेरे लिए भिजवाया था एज सून एज, यानी कि जैसे ही जल्दी से जल्दी उसको, ही रिसीव्ड अ वर्ड ऑफ माई अराइवल। ही रिसीव्ड अ वर्ड ऑफ माई अराइवल का मतलब है जैसे ही उसको मेरे अराइवल के बारे में पता चला, एम्परर ने मेरे लिए वो खाना भेजा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई सिग्नल्ड
दैट आई वॉज ऑल्सो थर्स्टी दे रोल्ड अ बैरल ऑफ बैरल अप अ लैडर एंड अक्रॉस माई चेस्ट देन दे पोर्ड अ डिलिशियस लिक्विड दैट टेस्टेड लाइक वाइन बट देयर बैरल वॉज ओनली इक्वल टू अ कप एंड आफ्टर दे हैड गिवन मी अ सेकेंड बैरल दे शोड मी दैट दे हैड नो मोर I was grateful to these little creatures. They had treated me generously. Now, when I signaled them that I was also thirsty, जब मैंने उनको सिग्नल किया I was also thirsty, यानी कि मैं thirsty भी था. Also हम कहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम आपको और कोई इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं. लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अनुकृति हूँ. Also I am your English teacher. मैं आपकी English teacher भी हूँ. Okay, like that. They rolled a barrel up a ladder and across my chest. Across का मतलब मैंने बताया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह. Across, ठीक है, ACROSS. यानी कि उन्होंने एक बैरल लिया. बैरल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कभी ना कभी, इस शेप का, ड्रम के शेप का, लकड़ी का होता है वो. उसमें हम ज़्यादातर वाइन स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइन को हमें एज करना पड़ता है. एज का मतलब होता है कि उसे हम कुछ साल रखते हैं फिर पीते हैं. ओके, वाइन एक दिन में नहीं बनती, उसको कम से कम 1-1.5 साल लगता है बनने के लिए. तो बैरल एक था जो कि उन्होंने उसके चेस्ट पे रोल किया. अक्रॉस द चेस्ट दे रोल्ड द बैरल, ठीक है, और फिर उसके मुँह में कुछ डिलिशियस सा लिक्विड डाला जिसका टेस्ट वाइन के जैसा था. बट जो उनका बैरल था ना वो सिर्फ एक कप के बराबर था. इट वॉज इक्वल टू ओनली वन कप. आफ्टर दे हैड गिवन मी द सेकेंड बैरल दे शोड मी दैट दे हैड नो मोर. जब उन्होंने मुझे अपना सेकेंड बैरल दिया उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया, दे शोड मी, उन्होंने मुझे दिखाया दैट दे हैड नो मोर. हैड मतलब पोजेशन. ओके, पोजेसिव नाउन पढ़ा था हमने, दिस इज़ दैट पोजेसिव नाउन, हैड, कि हमारे पास और नहीं है. ओके, उसके बाद गुलिवर कहता है आई वॉज ग्रेटफुल टू दीज लिटल क्रिएचर दे हैड ट्रीटेड मी जेनरसली. ग्रेटफुल का मतलब है शुक्रगुजार. ओके, आई वॉज ग्रेटफुल टू दोज लिटल क्रिएचर्स. लिटिल क्रिएचर मतलब द लिलीपुटन्स. ओके, जो लिलीपुट के वासी थे उनके लिए वो लिटिल क्रिएचर्स कह रहा है. ऑलराइट, तो वो ये कहता है कि आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे काइंडली ट्रीट किया. जेनरसली मतलब काइंडली, उन्होंने मेरी तरफ बहुत दया भावना दिखाई. ओके, दया की एक भावना उन्होंने मेरी तरफ दिखाई. जेनरस होने का मतलब है काइंड. ओके, एंड दैट्स अबाउट इट चिल्ड्रन. ऑल्सो रीड दिस, अडाप्टेड फ्रॉम गुलिवर्स ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट. चिल्ड्रन, जोनाथन स्विफ्ट ने ये जब लिखी थी गुलिवर्स ट्रैवल्स, तो उसमें सिर्फ इतना नहीं था जितना आपने पढ़ा है. उसके 7 बुक्स हैं, एंड मतलब देर आर 7 बुक्स डिवाइडेड इनटू 4 नॉवेल्स लाइक दैट. एंड काफ़ी अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से पब्लिश करते हैं. ओके, सो इट इज़ अ वेरी बिग स्टोरी. एंड ये लिलीपुट तो इज़ वन ऑफ अ प्लेस. एंड गुलिवर जो ओरिजिनल नावल है उसमें कम से कम 8 अलग अलग जगह जाता है. ठीक है, so if anyone of you is interested you can read that as well. So that's about the explanation. See the next video for your homework. Okay, thank you so much children.